इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं सब लोग? ठंडा में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। आज हम 12 क्लास के उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। आज के डेट में ऑब्जेक्टिव रहा नहीं भैया, 50 नंबर ले सकते हो आप ऑब्जेक्टिव सही बना करके। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को थोड़ा अच्छा से पढ़िए, अच्छा से स्टडी करिए। तो हमारे पास पार्ट 3 है क्लास 12 के लिए, डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम होगा, सारणिक हिंदी में कहते हैं। इससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन सहित डिस्कशन करेंगे आपके सामने, और इन 10 प्रश्न में से कम 3 या 4 प्रश्न आपको गारंटी के साथ लड़ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। विश्वास पर दुनिया टिकी है। मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, आप मुझ पर भरोसा करो, रिजल्ट आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इफ 7 and 2 आर इफ 7 and 2 आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इक्वल टू 0, देन द थर्ड रूट इज, मतलब इस इक्वेशन का 2 हल दे दिया गया है बुआ, एगो 7 आ एगो 2, और तीसरका इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा यह आप लोगों से पूछा गया। उसके लिए 9 -9 7 और none, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें आपको एक सही आंसर जज करना है। हिंदी में इसी प्रश्न को बोलेंगे कि यदि 7 तथा 2 दिए गए समीकरण, ये वाला समीकरण है, दिए गए समीकरण के 2 मूल हो तो तीसरा मूल है के लिए 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। अब हमें बताना है कि इन चारों में सही आंसर कौन है। चलिए तो इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आपको हम। चलिए सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट का इस इक्वेशन को हम R1 के अनुदिश विस्तार कर लेते हैं। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। खैर लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसमें आपको लिखना नहीं है, बस सही आंसर तलाशना है। तो थोड़ा बहुत समझने के लिए लिख देते हैं, ये R1 है, इसका चिन्ह होता है ±, है ना याद, ±। तो प्लस में एक्स लिखते हैं हम, एक्स लिख दिए और फर्स्ट रो समाप्त हो गया, फर्स्ट कॉलम समाप्त हो गया, x 2 6 x बच गया, x 2 6 and x ये बचा आपके पास, -3। अब इसके साथ कौन बचेगा बुआ? -3 के साथ फर्स्ट रो खत्म एंड सेकेंड कॉलम खत्म, 2 2 7 x, 2 2 2 2 7 x, ठीक है, एंड प्लस सेवन, इसके साथ कौन बचेगा बुआ? फर्स्ट रो खत्म, लास्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट रो खत्म, लास्ट कॉलम खत्म, 2 x 7 6, 2 x 7 6 इक्वल टू 0। फ्रेम में हम लोग हैं या नहीं? बिल्कुल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स अपने जगह पर है बुआ, क्रॉस गुना करेंगे एक्स में एक्स से, तो हो जाएगा x2, -6 में 2 से गुना होगा तो 12, -3 अपने जगह पर, पहले 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, -7 × 14, +7 एंड 2 में 6 से गुना होगा तो 12, -7 × x तो 7x इक्वल टू 0। अब x में x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा x³, 12 में x से गुना होगा तो 12x, 3 × -6x, 14 × 3, 42, 42 है ना, 62 हो जाएगा यहाँ पे,
एंड 7 × 7 49x इक्वल टू 0। अब x क्यूब अपने जगह पर बना हुआ है, -12x -6x और -49x, इसको जोड़िए तो 12 × 6 = 18, 12 × x + 6 × x मिलके 18 × x 18x और उसमें 49x जोड़ दीजिएगा तो 18 में 49 जोड़िएगा 9 9 9 8 17, तो आपको आ जाएगा माइनस में 67x 67x हो जाएगा। अब 42 में 84 जोड़िएगा तो 4 × 2 = 6 4 × 2 = 6 8 × 4 = 12 126 इक्वल टू 0। आपके पास एक त्रिघात समीकरण मिला, मतलब क्यूबिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन बउआ? क्यूबिक इक्वेशन मिला आपको। अब सबको मालूम है कि क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि 3 रूट्स होते हैं। इन 3 रूट्स में हमें 7 दे दिया गया है और 2 दे दिया गया है, ठीक है। मतलब ये समीकरण जो है इसका एक आंसर 7 होगा, एक आंसर 2 होगा, तीसरा आंसर क्या होगा, इन चारों में ऑप्शन तलाशना है। तो अब हम क्या करें, ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हमें तो सही आंसर तलाशना है। तो हम एक लंबा प्रोसेस भी है, लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन के लिए उतना लंबा जाना ठीक बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आया इसमें x के जगह 9 डालकर देखेंगे, -9 डालकर देखेंगे, 7 डालकर देखेंगे, तीनों में जो सेटिस्फाइड करेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर तीनों सेटिस्फाई ना करता है तो नन में टिक मार देंगे कि नहीं, बात समझे। हमने कहा x के स्थान पर, दो जगह x है, x के स्थान पर आप 9 डालकर, -9 डालकर, 7 डालकर चेक कीजिए और जिससे 0 आ जाए वही उसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर बाय द वे इन तीनों में से कोई इसको संतुष्ट नहीं करता है तो ऑप्शन नन भी तो है, तो नन में टिक मार देंगे और एक नंबर ले लेंगे। तो देखिए हम तो पहले से इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, कई एक बार बता चुके हैं, बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो हम जानते हैं कि इसका आंसर होगा बउआ -9। इसीलिए हम टिक मार दिए -9 में। आपको हम चेक करके बता भी देते हैं, घबराइएगा नहीं, है ना। लेकिन आपको हम तरीका बता दिए हैं कि इक्वेशन ले आइए, फटाफट सरल कर लीजिए सबसे, जिससे संतुष्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो -9 से ये संतुष्ट हो जाएगा। देखिए x के जगह -9 डालिए, -9 की पावर 3 और -67 × -9 और +126, सरल कीजिए, 9 की पावर 3 9 × 9 = 81 81 × 9 = 729, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, माइनस को 3 बार गुना करोगे तो माइनस बच जाएगा, ठीक है भैया, माइनस प्लस कन्फर्म रहिएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 9 × 7 = 63 हाथ में 6 एंड 9 × 6 = 54 और हाथ में 6 था ना, हो हाँ, तो 9 × 6 = 54 और 6 54 और 6 कितना हुआ भैया, 60 हो रहा है, और प्लस 126 इधर है, तो ये माइनस में 729 और 603 में 126 जरा जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में है, 603 में 126 जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा, बोलिए कितना मिल जाएगा, 603 और 126 729 भी तो आ रहा है, प्लस में 729 माइनस में 729 कट के 0 आ गया, मतलब ये संतुष्ट हो गया किससे, तो -9 से। देखिए हमने पहले से ही -9 में टिक कर चुका हूँ, तो इस सवाल का आंसर है -9, ठीक है। तो मैंने इसका तरीका भी बता दिया है, ठीक है, और इसका एक लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, तो अभी ऑब्जेक्टिव में हम उसको बताना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। चलिए तो बात ख़त्म हो गया, आपको एक नंबर मिल जाने से मतलब है कोई ना कोई जायज़ तरीका आपको हमने बताया, कोई बहुत सा मैथ है जो बहुत तरीका से बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मैं वही तरीका बताता हूँ जो जल्दी आपको आंसर तक पहुँचा दे। तो सबसे आसान तरीका जो था मैंने आपके सामने शेयर किया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यदि x 5 5x = 0 देन x = 8, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझिए कि मुफ्त में एक नंबर आपको बिहार बोर्ड दे दिया। कहिएगा सर ऐसे कहला कहते हैं कि मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में कथी मिलता है दुनिया में? अरे मुफ्त में तो बहुत कुछ मिलता है भैया, मुफ्त में तो बहुत कुछ मिलता है, अभी तो आपको एक नंबर मुफ्त में मिल रहा है।
चलिए तो x में x से गुना कर लो x स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह दे दो, पाँच गुना पाँच बुआ पच्चीस, सोल्यूशन टू का हो रहा है। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू में जीरो है। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस पच्चीस, उधर प्लस पच्चीस हो गया, स्क्वायर हटेगा बउआ जी तो प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा, एंड 25 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं कि 5 होता है, तो प्लस माइनस 5 में टिक मार दो, मार दो टिक, तो सी ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और निश्चित रूप से आ गया होगा। तो तीन नंबर सवाल देख लेते हैं। लीजिए तो सवाल नंबर तीन है आपके सामने। एक डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर में, इसमें तीन गो रॉ है और तीन गो कॉलम है, इसीलिए ये डिटर्मिनेंट हुआ आपका 3x3 ऑर्डर का। कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट। आपके बीच ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, माइनस वन और जीरो। तो चलिए इसका आंसर फटाफट निकाल लेते हैं। जैसा कि आप तमाम विद्यार्थियों को पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के तीनों कॉलम को जोड़ दो और किसी एक कॉलम में डाल दो, वैल्यू चेंज नहीं होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट के तीनों रॉ को जोड़ के किसी एक रॉ में डाल दीजिए, वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 ये प्रयोग करते हैं बुआ जी। कॉलम एक, कॉलम दो, कॉलम तीन सबको जोड़ के कॉलम एक में लिखते हैं। चलिए तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, उसके बाद c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, फिर से a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये तो हो गया। उसके बाद कॉलम दो को और कॉलम तीन को हम सेम टू सेम लिख देंगे, तो सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पे ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये मैंने लिख दिया। चलिए अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पर प्लस ए है, सारे टर्म्स प्लस माइनस में कट गए, प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, सारे कट गए भैया, टोटल जीरो हो गए, लड्डू हो गए। इसको चुपचाप छाप दो, सेम टू सेम उतार दो, इसको भी छाप दो सेम टू सेम। अब आपको प्रॉपर्टी पता होगा डिटर्मिनेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए। यदि डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम में टोटल अवयव जीरो हो जाए, इस स्थिति में डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाता है। इस तरह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बन के तैयार हो गया आपका सवाल नंबर तीन। अब सवाल नंबर चार का सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। ये था तीन का सॉल्यूशन, अब चार का सॉल्यूशन। एक डिटर्मिनेंट आपको देगा और कहेगा कि इसका मान कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रॉ से एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी तीन रॉ है, तीन कॉलम है, तो आपके पास 3 + 3 = 6, 6 गो तरीका है, 6 गो तरीका से आप डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एगो मजे की बात क्या है, कहिएगा सर क्या है, बोलिए। मजे की बात यह है कि डिटर्मिनेंट के जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होगा, आपको वही वाला रास्ता जो है आसान होगा। हम लोग हर काम में चाहते हैं कि आसान रास्ता हो, कम से कम खर्चा हो, बढ़िया से बढ़िया सामान मिल जाए, ये तो मानव का स्वभाव होता है। तो काहे ना परीक्षा में इसी स्वभाव को अप्लाई करिए कि मेहनत कम लगे आंसर सही निकल जाए। तो आपके पास तीसरे रो में सबसे ज़्यादा जीरो है, देख लीजिए, तीसरे रो में
सबसे ज्यादा जीरो है, सबसे ज्यादा का मतलब दो गो, तीन गो जीरो होता था तो डिटरमिनेंट का वैल्यू बिना निकाल ले जीरो हो जाता, तो दो गो जीरो को हम लोग मैक्सिमम जीरो कहते हैं, क्योंकि तीन गो जीरो के बाद तो बिना कुछ कहले आंसर पता हो जाएगा कि डिटरमिनेंट का मान जीरो हो जाएगा। अगर किसी रो या किसी कॉलम में तीन गो जीरो मिल जाए, देखिए अभी मिला ना, तीन गो जीरो मिला तो वैल्यू कितना हो गया, जीरो हुआ ना, तो तीन गो जीरो मिल गया था तो बातें खत्म हो गया, डिटरमिनेंट का आंसर जीरो। तो इसीलिए हम लोग दो गो जीरो अगर डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में मिलता है तो उसको मैक्सिमम जीरो बोलते हैं, और हमें उसी रो या उसी कॉलम में एक्सपेंड करके उसका आंसर निकालना चाहिए। तो मालूम है स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर निकालेंगे थर्ड रो से। बोलो कहां से निकालेंगे इसका आंसर, थर्ड रो से। हम इसका आंसर निकालेंगे बउआ सा थर्ड रो से, न फर्स्ट रो से न सेकेंड रो से, कॉलम का नाम भी नहीं लेंगे। हाँ, चाहते तो फर्स्ट कॉलम से भी निकाल सकते थे, चाहते तो फर्स्ट कॉलम से भी निकाल सकते थे, काहे कि फर्स्ट कॉलम में भी दो गो जीरो है। चलिए तो फर्स्ट कॉलम से निकाल कर बताते हैं। आप फर्स्ट कॉलम से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, सेम बात, आप थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं, सेम बात, क्योंकि दो गो जीरो फर्स्ट कॉलम में भी है और दो गो जीरो थर्ड रो में भी है। तो चलिए हम एक्सपेंडिंग अलोंग कहाँ जाते हैं, C1 के अनुदिश, ठीक है, C1 के अनुदिश चलते हैं, C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो ये तो दो गो सदस्य जीरो है, तो इसके साथ आने वाला हर फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो इसको तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम दो के साथ चलेंगे, तो दो लिख देते हैं यहाँ पर, और दो का कॉलम ख़त्म और दो का रॉ ख़त्म। अब 4705 इसके साथ आएगा, 4705 इसके साथ आएगा, 4705। अब यह 2x2 का डिटरमिनेंट है, तो 4×5=20 और 7 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 स्थिर रहेगा अपने जगह पर, 4×5=20 माइनस 7 में 0 से तो 0, 20 में 0 घटेगा तो 20, और 20 दुना का कितना होता है बउआ, 40 न होता है, 40 न होता है, तो 40 में टिक मार दो ना, तो बी ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए आपके बीच पांचवा नंबर क्वेश्चन सामने आ रहा है, लीजिए, तो सवाल नंबर 5 है आपके बीच, 1xx² 1yy² 1zz² इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन बहुत सा है, इसमें कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। देखिए डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में 111 है, डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में क्या है बच्चों, 111 है, यानी कि 3×1 है। तो आप क्या करिए, R1 में से R2 को घटा दीजिए, R2 में से R3 को घटा दीजिए। चलिए आप क्या करिए, R1 में से R1 को चेंज कर दीजिए कि R1 में से R2 को घटा दीजिए, एंड R2 में से आप R3 को घटा दीजिए। तो जब R1 में से जब R2 को घटाएंगे तो सोचिए 1 में से 1 घट के कितना होगा, 0 होगा। x में से y घटेगा तो x माइनस y आएगा, और x² में y² घटेगा तो x² माइनस y² आएगा। चलिए अब R2 में से R3 घटेगा तो 1 में से 1 घटेगा तो फिर से 0 आएगा, y में से z घटेगा तो y माइनस z आएगा, और y² में z² घटेगा तो y² माइनस z² आएगा। हो गया, घेरिए इसको इधर से, और 1zz² फटाफट से लिख दीजिए, 1zz². अब आप गौर कीजिएगा तो डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो मिल रहा है, तो डिटरमिनेंट को सरल करते समय आप ध्यान रखिएगा कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो हो हमें उसी रो या उसी कॉलम को का अनुसरण करना चाहिए, उसी रो या उसी कॉलम को फॉलो करना चाहिए डिटरमिनेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक बउआ सर। चलिए तो सबसे ज़्यादा जीरो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट, सॉरी ये तो कॉलम फर्स्ट में है,
चलिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट तो यहाँ पे वन लिखिएगा आप लोग, यहाँ का चिन्ह प्लस होता है तो आप वन लिखिएगा, वन का रो खत्म, वन का कॉलम खत्म, एक दो तीन चार यही लिखाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, चलो अब इधर लिखते हैं, एक्स माइनस वाई अपने जगह पर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाई माइनस जेड अपने जगह पर है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब x माइनस वाई आप r1 से कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई r1 से कॉमन हो जाएगा, y माइनस जेड आपको r2 से कॉमन हो जाएगा तो y माइनस जेड r2 से कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा, ये दोनों में तो वन वन बचेगा आ इसमें क्या बचेगा बउआ, तो x प्लस वाई आ इसमें बचेगा y प्लस जेड। चलो आगे आइए, तो x माइनस वाई लिख दीजिए, y माइनस जेड लिख दीजिए, आ x से y प्लस जेड में गुना होगा तो y प्लस जेड माइनस x और माइनस y, यहाँ पे y का कहानी खत्म हो गया। इस तरह से आंसर आ गया, x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस x। ये सवाल आपका दो नंबर में भी पूछ सकता है, ये सवाल आपको दो नंबर में भी पूछ सकता है, ये सवाल आपका एक नंबर में भी पूछ सकता है। ये फैसला तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो बोर्ड फैसला करेगा भाई, छोड़ दीजिए बोर्ड का काम, बोर्ड के ऊपर आपका काम है इसको सीख कर जाना। इसीलिए तो मैं सॉल्यूशन करके बताता हूँ कि भैया ऑब्जेक्टिव में तो आप तो आंसर याद रख लो ना, आप तो इसका आंसर याद रख लो, वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका आंसर याद रख लो, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। टिक मार दो, कहाँ गया, कहाँ गया, बी में ये मार दो टिक, हो गया कहानी खत्म। कहानी खत्म हो गया। अगर ये दो नंबर में आता है तब तो आपको ये सब करके दिखाना ही होगा, तभी दो नंबर मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा। चलिए सिक्स नंबर सवाल को आपके दिमाग में फिक्स करते हैं, तो सिक्स का सॉल्यूशन को देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन मिला है आपको, फाइव का सॉल्यूशन यहाँ पर था, है ना। चलिए ये तो अगर सवाल आ गया तो गिफ्ट मार्क्स होगा, ठीक है। डेल्टा बराबर 10 2 30 6 एक 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको ऐसे गुना करना है, 10 गुना 6 ये कितना होगा, 10 गुना 6 60 होगा, और माइनस का चिन्ह दीजिएगा, और 30 गुना 2 ये भी कितना होगा, 30 गुना 2 भी तो 60 होगा, तो 60 में से 60 घटेगा तो 0 ही होगा, तो किधर गया, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, चलो भैया ऑप्शन को गोली मारो, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। तो इससे भी आसान कोई सवाल खोजते हैं, नहीं मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए तो सवाल नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए 2023 में तो ही पक्का आएगा। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन है 0 1 x x क्यू। चलिए तो हमें सही आंसर का तलाश है, फटाफट से इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको, तो सॉल्यूशन है 7 का। क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी कहाँ है भैया, ए पी में, ए बी सी आर इन ए पी, आर इन ए पी, ए पी का मतलब होता है समांतर श्रेढ़ी, जिसके बारे में आप 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं। ए पी का गुण होता है कि सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो यह इक्वल होता है, अगर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक वह एपी में तीनों संख्या हो ही नहीं सकता है। तो कंडीशन के मुताबिक असुविधा के लिए खेद है,
माफ कीजिएगा, लग जा भैया लग जा ना। चलिए सेवा में हाजिर रहेंगे। b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। अब क्या करोगे, ये b माइनस ए मैंने लिख दिया, उधर वाला इधर आएगा, तो माइनस भी इधर आकर प्लस भी हो जाएगा, और प्लस सी इधर आकर माइनस सी, इक्वल टू क्या होगा तो जीरो। एक b में एक b जोड़ेंगे तो टू बी होगा, और माइनस में c है और माइनस में a है, इक्वल टू जीरो। इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। अब आपका जो डिटर्मिनांट है इसके इसके दूसरे रॉ में से इसके दूसरे रॉ में से इसमें से इसमें से हम एक बटा दो कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं बुआ, आर टू से एक बटा दो कॉमन लेने पर, एक बटा दो क्या करते हैं बुआ कॉमन लेने पर, तो चलो ले लो एक बटा दो कॉमन, क्या जाता है। आप तो R2 से कॉमन ले रहे हैं तो R1 पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो लिख दो x प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू ए। चलिए उसके बाद जब इसमें से आप एक बटा दो कॉमन लिए हैं तो इस पर क्या परिवर्तन होगा, सोच के देख लीजिए। इन सभी में दो से गुना हो जाएगा, तो दू एक्स प्लस सिक्स, दू एक्स प्लस सिक्स, थोड़ा सा इसको नीचे लिखिए बीच में, हाँ ठीक है, दू एक्स प्लस सिक्स, यहाँ दू एक्स प्लस आठ, दू एक्स प्लस आठ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर बी, टू एक्स प्लस फोर बी आर टू से। फिर आप एक बटा दो से इसमें गुना करके देख लो, फिर से आपका ये लाइन आपको मिल जाएगा। एक बटा दो से इस लाइन में गुना करके देख लो, आपको फिर से यही लाइन मिल जाएगा, मतलब कॉमन ही हो, ठीक है। एंड तीसरे रो को सेम टू सेम, यानी कि एक्स प्लस चार, एक्स प्लस पाँच, एक्स प्लस पाँच एंड एक्स प्लस टू सी आप यहाँ पर लिख देते हो। उसके बाद एक ऑपरेशन हम यूज करेंगे आर टू पे, वो क्या है, आर टू चेंज, आर टू चेंज कैसे भाई, तो आर टू माइनस, आर टू माइनस आर वन प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री, मतलब फर्स्ट रो में थर्ड रो को जोड़ के और जो रिजल्ट आएगा उसको आर टू में से घटा देंगे। तो अब क्या होने वाला है दिखाता हूँ पूरा खेल, सोचो सोचो, आर वन में आर थ्री जोड़ोगे तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स मिल जाएगा, और दो में चार जोड़ोगे तो छः मिल जाएगा, यानी टू एक्स प्लस सिक्स, और यहाँ भी टू एक्स माइनस सिक्स है, यार टू एक्स माइनस सिक्स में टू एक्स माइनस सिक्स घटेगा तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा। आगे आइए, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, पाँच तीन आठ, यहाँ टू एक्स प्लस आठ है, और यहाँ भी टू एक्स प्लस आठ हो रहा है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ एक्स प्लस एक्स टू एक्स, और टू एक्स में एक्स प्लस एक्स टू एक्स, और टू एक्स में टू एक्स घटेगा तो जीरो, और चार बी माइनस टू सी, चार बी माइनस टू सी माइनस टू ए, ये बचेगा आपको। ये ऑपरेशन जब हम यूज करेंगे आर टू के ऊपर, जब आर टू के ऊपर ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। अब आर वन को आप क्या करोगे, चुपचाप लिख दो, उसका तो कोई काम ही नहीं है, लिखो यहाँ, मतलब हम टिक मार रहे हैं ना तो आप भी टिक मार दीजिएगा, इसका मतलब खाली समझना है। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उतारने से क्या फ़ायदा होगा, टाइम किल नहीं करना है ना, हमें तो ऑप्शन चाहिए सही, तो हमें यहाँ पे लिखना उठना नहीं है, बस टिक कर दिए कि यही चीज़ आ जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स, चार बी माइनस टू सी माइनस टू ए, इन तीनों में क्या कॉमन ले सकते हो, जरा सोचो, चार बी माइनस टू सी माइनस टू ए, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो, मेरे समझ से तो दो कॉमन ले सकते हो एकदम आराम से, दो मिलता है, दो मिलता है, और यहाँ भी दो मिलता है, तो आप दो कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, दो कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, बचेगा टू बी, ये तो दो हट जाएगा, आ ये तो दो हट जाएगा,
तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 2b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ देखिए तो 2b माइनस सी माइनस ए क्या है, जीरो। तो अब तो क्या होगा, यहाँ भी तो हो गया जीरो, यानी इक्वल टू जीरो। अब आप देखो कि आपके R2 का प्रत्येक सदस्य जीरो हो चुका है, R2 का जीरो जीरो एंड जीरो, तो फिर ये तो डिटर्मिनांट हो गया जीरो। तो भैया आपका सही आंसर है ए, मतलब इस डिटर्मिनांट का आंसर होगा जीरो। और इस सवाल का जवाब तो हमको देने का मन भी नहीं करता है, लेकिन चलिए मन न करने से थोड़े ना होता है, देना तो पड़ेगा ही, क्या करें। इसमें सबसे एक ही जीरो मिल रहा है हमको, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, R2 में। तो चलिए इसको घेरते हैं, R2 से सरल करेंगे। चिन्ह आप लोग याद रखिएगा जरूर, हम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये नौ गो चिन्ह नौ सदस्य के लिए याद रखिएगा, नौ सदस्य के लिए, नौ सदस्य के लिए ये नौ चिन्ह आप याद रखिएगा। तो चलिए पाँच का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आप माइनस में पाँच लिखिए। उसके बाद इसका रो खत्म हो जाएगा, इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, तो एक तिहाई तीन और सात पचे पैंतीस, एक तिहाई तीन और सात पचे पैंतीस। आइए आगे, ये जीरो तो लिखना नहीं है, जीरो के साथ जो भी आएगा जीरो हो जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। आगे यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ का चिन्ह देख लीजिए, माइनस, तो माइनस में दो लिख दीजिए। अब ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, दो लिखे हैं तो दो का रो खत्म और दो का कॉलम खत्म, तो रो नंबर दो खत्म, कॉलम नंबर तीन खत्म। अब तीन एक दो पाँच इसके साथ आएगा, तो तीन पचे पंद्रह, एक दूना दो पंद्रह माइनस दो। अब ये हो गया माइनस पाँच, और तीन में पैंतीस घटेगा तो होगा माइनस में बत्तीस, माइनस दो अपने जगह पर, पंद्रह में दो घटेगा तो तेरह, बत्तीस पचे होता है एक सौ साठ, और माइनस माइनस प्लस, और तेरह दूना छब्बीस। अब जब एक सौ साठ में से छब्बीस घटाएंगे तो दस में से छः घट के चार, और इधर पाँच में से दो घट के तीन, एक सौ चौंतीस इसका सही जवाब हो गया। तो यह एक बहुत आसान प्रश्न है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मात्र निकाल देना है, ऐसा एगो क्वेश्चन तो देगा ही देगा, नौ का तो सवाल ही नहीं होता। चलिए तो लेकर आते हैं नौ नंबर क्वेश्चन, लीजिए तो सवाल नंबर नौ है आपके लिए, वन ए बी प्लस सी, वन बी सी प्लस ए, वन सी ए प्लस बी बराबर, इसका आंसर व्हाट क्या होगा। ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, थ्री ए बी सी एंड जीरो। तो चलिए इसको सरल करते हैं कि इसका आंसर कितना आता है, तरीका बताते हैं, इसका सोल्यूशन बताते हैं आपको हम। सोल्यूशन है नाइन नंबर का, नाइन का सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम नंबर दो में कॉलम नंबर तीन को जोड़ देते हैं, कॉलम नंबर दो को चेंज करते हैं, कॉलम नंबर दो में कॉलम नंबर तीन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, वन 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 तो अपने जगह पर है, ए में बी प्लस सी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, बी में सी प्लस ए जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, और सी में ए प्लस बी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। उसके बाद ये तो b प्लस सी ही रहने वाला है, और ये तो c प्लस ए ही रहने वाला है, और ये तो a प्लस बी ही रहने वाला है। कहिएगा सर, कॉलम दो में कॉलम तीन को जोड़ने से कुछ फ़ायदा उदा मिला क्या? बिल्कुल मिला, a प्लस बी प्लस सी आप आराम से कॉमन ले सकते हैं, कहाँ से, तो c2 से, ये कॉलम नंबर दो है। तो अब आप c2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, चलिए तो जब आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे, जब आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये तो वन 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 पहले से था, ये तो वन 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 हो गया, ये तो b प्लस सी, c प्लस a एंड a प्लस बी पहले से था, मैंने छाप दिया। अब गौर करो कि यहाँ पे कॉलम नंबर एक और कॉलम नंबर दो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब समान है, और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी सारणिक में
दो कॉलम्स या दो रोज सेम टू सेम हो जाए तो उसका वैल्यू जीरो होता है। तो फिर क्या कहना है, अब तो इस पूरे का वैल्यू जीरो हो गया, और जीरो में ए प्लस बी प्लस सी से गुना करेंगे तो पूरा कहानी जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी में ये पूरा का वैल्यू जीरो, तो जीरो हो गया। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही होगा, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू दिया हुआ है वन जीरो माइनस वन नन। चलिए भैया, तो क्या कहा, ये इक्वेशन दिया है हमारे पास, 10 का सोल्यूशन देख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कि एक्स क्यू बराबर ये माइनस वन तो उधर प्लस वन, इसका मतलब ये कि एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ वन, यहाँ से तीन हटा तो यहाँ पे क्यूब रूट हो गया। तो अब एक का क्यूब रूट जो होता है, आप 11th का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर पढ़े होंगे 11th में अच्छे से, तो आपको मालूम होगा कि इकाई के तीन घनमूल होते हैं, इकाई के तीन घनमूल होते हैं, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक रियल नंबर होता है और दो गो सम्मिश्र संख्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें आयोटा लगा होता है, मालूम होगा आपको। अगर मालूम नहीं है तो चलिए उतना दूर तक अभी जाने की जरूरत भी आपको नहीं है, जानते हैं तो याद दिला दिया, और नहीं जानते हैं तो उसको गोली मारिए। आपको अभी भैया डिटर्मिनेंट के इस क्वेश्चन को बना करके सही आंसर तलाशना है। तो चलिए, इसका मतलब होता है एक का घनमूल होता है क्या क्या चीज, तो वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक का घनमूल कोई पूछता है आपसे कि इकाई का घनमूल बताओ, तो आप बता देना वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, इसके लिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वीडियो 11th का सर्च करके आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए, ये तो हो गई 11th की बात, अभी तो हमें 12th में रहना है और इसका जवाब ढूंढना है। हम कॉलम एक को चेंज करते हैं, कॉलम एक में कॉलम दो कॉलम तीन सब जोड़ देते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, फ्रेम से बाहर तो नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, बहुत सुंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम एक चेंज, कॉलम एक जोड़ कॉलम दो जोड़ कॉलम तीन, ऐसा करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा हम लोगों को, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ भी मिल जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। इसको सेम टू सेम उतार दो, इसको सेम टू सेम उतार दो। अब प्यारे बच्चों, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है जीरो। ये सब 11th का सूत्र है भैया, 12th में पढ़ रहे हो लेकिन 11th का जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। तो चलिए, 11th का ये सूत्र है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, जीरो। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वीडियो में। तो फिलहाल ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यानी डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम तो जीरो हो गया। इसको उतार दो, इसको भी उतार दो। अब क्या होगा, जब डिटर्मिनेंट का कोई भी कॉलम का टोटल सदस्य जीरो हो गया, फिर तो इनकेस इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो आपका पार्ट बी सही है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद रखना जीरो होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर रियली में वास्तविकता में अगर आप ये 10 प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे तो आपका इसी में से 2-4 क्वेश्चन रहने वाला है। बाय द वे, अगर नहीं भी रहा तो इतनी जानकारी लेकर आप परीक्षा देने जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर पलट कर भी पूछता है तो आपको इतना जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दिया है कि वो आपको हेल्प करेगा, और आप निश्चित रूप से डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो में बहुत जल्द, है ना। तो ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ए मेरे दोस्त लौट के आजा।
भैया आपका दोस्त तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन श्रीकांत सर फिर कल वीडियो लेकर आपके लिए जरूर आएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।